भाई और बहनों, आज यहां जलपाईगुड़ी में मैं देश से जुड़े एक महत्वपूर्ण विषय पर भी अपनी बात रखना चाहता हूं। ये विषय महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को अवसरों की समानता और महिलाओं को न्याय का है, और ये विषय है तीन तलाक का। साथियों, महिला अधिकारों पर झूठ बोलने वाली कांग्रेस ने अपनी असली सच्चाई भी, अपना चेहरा देश के सामने खुला रख दिया है। तुष्टिकरण की अपीजमेंट के लिए कांग्रेस किस हद तक जा सकती है, ये भी उसने कल फिर से पब्लिकली बयान कर दिया है। साथियों, कांग्रेस ने अब खुलकर के कह दिया है कि वो तीन तलाक चलने देगी, मुस्लिम बेटियों की बर्बादी होने देगी, तीन तलाक को रोकने के कानून का विरोध करती और कहते हैं हम आएंगे तो इस कानून अगर मोदी ला करके जाएगा तो भी खत्म कर देंगे। भाइयों बहनों, कांग्रेस ने उन लाखों मुस्लिम बहनों बेटियों के साथ जो अत्याचार हुआ है उनके साथ अपनी सहमति जता दी है, उन्हें धोखा दिया है, जो तीन तलाक कानून के लिए बरसों से प्रदर्शन कर रही थी, मीडिया में आकर अपनी पीड़ा जता रही थी। कांग्रेस ने फिर दिखा दिया कि उसे सुप्रीम कोर्ट की परवाह नहीं है। जो तुरंत तीन तलाक को असंवैधानिक घोषित कर चुका है, राजीव गांधी के समय साबानो केस में कांग्रेस ने जो गलती की थी, अब वही गुनाह उसने कर दिया है। वो भूल गई है कि तीन तलाक से पीड़ित मुस्लिम महिलाओं को कितने बुरे दौर से गुजरना होता है, कितने संकटों से गुजरना होता है। मैं दो तीन दिन पहले ही मीडिया में आई एक मुस्लिम बेटी की कथा पढ़ रहा था। उस बेटी का 2009 में निकाह हुआ था, उसके बाद उसे दो बार तीन तलाक झेलना पड़ा। उसे जो यातनाएं भुगतनी पड़ी वो सार्वजनिक रूप से बताना भी मेरे लिए मुश्किल है, इतनी पीड़ा हुई उस महिला को। साथियों, यहां पश्चिम बंगाल की भी अनेक बहनों को इस तरह के अत्याचार से गुजरना पड़ा है। वो बरसों से तीन तलाक के खिलाफ कानून की मांग कर रही थी, जिसे हमारी सरकार पूरा करने का प्रयास कर रही है, लेकिन तुष्टिकरण के लिए किसी भी हद से गुजरने वाली कांग्रेस ने न सिर्फ तीन तलाक कानून को संसद में रोका, बल्कि उसे अब खत्म करने की भी बात करने लगी है। मैं आज यहां पश्चिम बंगाल में यहां की तृणमूल कांग्रेस से भी पूछना चाहता हूं कि ममता दीदी, आप तो एक महिला है, अरे आप तो साफ बताइए, आप क्यों तीन तलाक के कानून के आड़े अटके खड़ी रही हो? आप मुस्लिम महिलाओं के अधिकार के लिए क्या वोट ज्यादा कीमती है कि मुस्लिम माताओं बहनों का अधिकार कीमती है? साथियों, ये लोग कुछ भी बोले, मैं देश की सभी मुस्लिम बहन बेटियों को ये भरोसा देना चाहता हूं कि तीन तलाक कानून को, तीन तलाक कानून को हटाने नहीं दिया जाएगा। बीजेपी महिलाओं के अधिकार के लिए, महिलाओं को न्याय के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।